A स्टेडी करेंट इज फ्लोइंग इन ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मतलब जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अंदर में इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा जब इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है इसलिए इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगाया नहीं जा सकता है। जैसा कि जानते हैं E बराबर F बाई क्यू, यानी कि इससे यह पता लगा F इज इक्वल टू क्यू इन टू E। तो इससे यह समझ में आता है कि क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, इसलिए पहला का ऑप्शन सी होगा। दिया गया है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन किया गया है वोल्टेज पर यूनिट करेंट से और हमें रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट निकालना है बेसिक टर्म में, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट निकालने के लिए हमें वोल्टेज और करंट का यूनिट निकालना होगा। अब हम लोग ये जो भी है यानी कि जो पोटेंशियल है उसका डिफिनीशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये जो वर्क है इसका डिफिनीशन होता है एफ डॉट एस, और क्यू बराबर होता है आई टी। यानी अगर हम लोग यहाँ पर एफ का पहले निकाल लें तो निकल जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं एफ बराबर क्या होता है एम इन टू ए, और एफ बराबर हो जाएगा एम का यूनिट क्या हो जाएगा केजी, और ए का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीका से एफ का निकल गया। अब हम लोग अगर भी का निकालना चाहें तो भी बराबर हम लोगों को फार्मूला में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई करेंट इंटू टाइम दिया गया है। तो फोर्स का कितना आया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा मीटर आएगा, करंट का एम्पियर और टाइम का सेकेंड आएगा। तो यहाँ पर केजी रह जाएगा, मीटर और मीटर दो है तो मीटर स्क्वायर, एस पावर टू और नीचे में एस है तो एस पर पावर माइनस थ्री, और यहाँ पर एक एम्पियर नीचे में है तो एम्पियर पर पावर माइनस वन आ जाएगा। अब क्योंकि हमें आर निकालना है तो आर बराबर भी बाई आई होता है, तो आर बराबर भी बाई आई से भी का ये हम लोग जो यूनिट निकला है वो लिख देंगे, और ये जो आई है इसका क्या हो जाएगा ए, तो क्योंकि ए पर पावर माइनस वन है और यहाँ पर बट्टा के नीचे ए है तो ये ऊपर चला जाएगा, और इस तरीका से ये ऊपर जा करके ए पर पावर माइनस टू हो जाएगा। तो आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर माइनस थ्री, और जो एम्पियर है इस पर पावर माइनस टू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि बी आंसर होगा। कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसका चार्ज क्यू है और क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम दिया गया है, और यह जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेलोसिटी से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस आर दिया गया है, इन सभी का वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज टोटल पास करेगा, ठीक है। तो हमें यह निकालना होगा कि एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले करंट निकालना है, करंट का मतलब होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम। तो हम ऐसा करते हैं कि सर्कुलर मोशन है तो अगर हम इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखें, तो क्योंकि पूरा एक सर्कमफेरेंस इसका डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस का जगह पर 2πr लिखा जाएगा, टाइम के जगह पर टाइम, तो इससे क्या आएगा टाइम बराबर आ जाएगा 2πr बाय भी इक्वेशन वन, यानी ये उतना समय है कि इतना टाइम में
ये पूरा चार्ज एक रिवॉल्यूशन कर लेता है, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करने में एक इलेक्ट्रॉन को इतना समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इन टाइम टी ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना टाइम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करता है, इसलिए यूनिट टाइम में 1/T इलेक्ट्रॉन इसको पार करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल चार्जेज को देखें, टोटल चार्जेज को, क्योंकि टोटल यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया, टोटल चार्जेज क्रॉस इन यूनिट टाइम, तो वो आ जाएगा 1/T मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो। तो इसलिए हम लोग टोटल चार्जेज क्रॉस इन यूनिट टाइम को इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो I बराबर Q/T और Q का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, Q ही दिया हुआ है, और 1/T जो है तो 1/T का वैल्यू है कितना, T का वैल्यू है 2πr डिवाइडेड बाई भी, तो भी चला जाएगा कहाँ, ऊपर, सभी का वैल्यू पुट कर दो तो जितने भी कांस्टेंट यहाँ पे हैं इन सभी को गुना भागा करोगे तो इतना आएगा, और जितने भी पावर वाले टर्म हैं इन सभी को करोगे तो इतना आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए चेंज करो, तो जैसे ही हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर करके इसे 1.121 बनाएंगे, वैसे ही यहाँ पर 10 से डिवाइड दे करके ये बनाना होगा, यानी हमारा भी आंसर हो जाएगा।